हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्नड दैट एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड अ रिसोर्स। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, लाइक अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, बट ऑन द अदर हैंड मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, are all the resources that we have tabulated in previous worksheet came from the same source or they come from different sources? Let's do some activity. Here is a list of some substances like soil, toy, vehicles, forest, bridge, rail, minerals, rivers, mountain, road, building, coal, furniture, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. You can add plenty of other things apart from these. Now can you arrange these and other substances surrounding you in two groups based on from where they are obtained, like one is done for you. तो बच्चों, चलिए इस टेबल को फिल करते हैं हम दिए गए सब्सटेंसेस में से। बच्चों, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर में आप डाल सकते हैं सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट एंड विंड। जबकि आप मेड बाय ह्यूमंस में डाल सकते हैं टॉयज, व्हीकल, ब्रिज, रेल, रोड, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। चलिए चलते हैं आगे। वट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंसेज वी राइट इन द फर्स्ट कॉलम? आर दे यूजफुल टू अस? तो बच्चों, जो हमने फर्स्ट फील्ड में लिखे हैं सब्सटेंसेज, क्या वो हमारे लिए यूजफुल हैं? हाँ, वो हमारे लिए यूजफुल है, तो हम इस पर यस लिखेंगे। नेक्स्ट है वट इज़ द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंसेज? इन सब सब्सटेंसेज में कॉमन क्या था? तो बच्चों, इन सब सब्सटेंसेज में कॉमन ये था कि ये सभी हमें नेचर की तरफ से मिले हैं, तो हम इस पर लिख देंगे गिफ्ट फ्रॉम नेचर। चलिए आगे चलते हैं। वट कैन वी कंक्लूड? सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, बच्चों जो हमें नेचर से सब्सटेंसेस मिलते हैं और जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पे टिक कर देंगे और उसे आप आंसर में लिख देंगे। इसके बाद बच्चों, नाउ Are all the natural substances same? Let's find out. क्या सभी natural substances एक जैसे होते हैं? चलिए देखते हैं। Classify the natural substances in the following two categories. Those which are unlimited in nature and renewed quickly. जो हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और जल्दी ही रिन्यू हो जाते हैं। And second है those which have limited stock and take thousands of years to renew. Second वो है बच्चों जो हमारे पास limited मात्रा में है और रिन्यू होने में उन्हें हजारों साल लगते हैं। तो चलिए बच्चों, इस टेबल को फिल करते हैं। बच्चों, यहाँ पे दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर के अंडर आप लिखते हैं सॉइल, फॉरेस्ट, रिवर्स, सनलाइट एंड विंड। जबकि सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं मिनरल्स, माउंटेन्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड अबंडेंटली इन नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, while some other natural substances are limited in stock, are exhaustible and take plenty of years to get replenished. Such substances are called non-renewable resources. However, we must always remember that careless use of renewable natural resources may make it exhaustible. Like water or soil is abundant, but its careless use will make it unfit for utilization. आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन। इस वर्कशीट में हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। इनके एग्जाम्पल हैं कोल, वाटर एट्सेट्रा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ऐसे एक टेबल बना सकते हैं एक साइड रिन्यूएबल एंड एक साइड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं सब्सटेंसेज विच आर फाउंड इन नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, विंड। और नेक्स्ट है बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सब्सटेंसेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड आर एग्जॉस्टिबल एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, कॉल एट्सेट्रा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें भी बच्चों आप ऐसी एक टेबल बना सकते हैं, एक साइड रिन्यूएबल एंड एक साइड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आते हैं हमारे फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट एंड विंड, जबकि नॉन रिन्यूएबल में आते हैं हमारे कोल, आयरन एंड पेट्रोल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। बच्चों इसमें आपको खुद इमेजिन करके एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है कि अगर धरती से सारा पीने के पानी के स्रोत ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से एक स्टोरी लिखी है, आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने लिखी है आफ्टर 30 years इन द फ्यूचर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, नाउ ड्रिंकिंग वाटर इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड कंट्रीज आर फाइटिंग टू कंट्रोल वट एवर सोर्सेज आर लेफ्ट। यानी कि आज से 30 साल बाद पीने के पानी के सभी स्रोत ख़त्म हो गए हैं और जो बचा हुआ पीने का पानी है वह पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। पानी के लिए बाकी सभी देश लड़ाई कर रहे हैं। दिस सिचुएशन विल बी क्रिएटेड बाय अस ह्यूमंस ओनली इफ़ वी डू नॉट सेव वाटर आवरसेल्व्स। यह सिचुएशन हम इंसानों के द्वारा ही बना दी जाएगी अगर हम अभी से पानी को बचाना शुरू नहीं करेंगे। सो वी शुड सेव वाटर एंड सेव आवर फ्यूचर। तो इसीलिए बच्चों हमें पानी को बचाना चाहिए और हमें अपने भविष्य को भी बचाना चाहिए। इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को यह अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।